कश्मीर फाइल फिल्म में मंदिरों और हिंदुओं की चर्चा हुई है। इस संदर्भ में जानते हैं कि कश्मीर घाटी के 10 प्राचीन मंदिरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हालांकि कश्मीर के अधिकतर मंदिर उपेक्षा के कारण खंडहर में बदल गए हैं या उन्हें अलगाववादियों ने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ मंदिर शेष बचे हैं, जैसे कि ज्वाला देवी का मंदिर। जम्मू और कश्मीर के राजधानी श्रीनगर के पुलवामा से करीब 17 किलोमीटर दूर खरेब में माता ज्वाला देवी का मंदिर है। 2 वर्ष पहले कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में आग लगाकर इसे नष्ट कर दिया। अब यह खंडर ही है। दक्षिण कश्मीर में यह स्थित मंदिर कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी का मंदिर है। 2, खीर भवानी मंदिर। जम्मू और कश्मीर के मध्य कश्मीर के गंदेरवल जिले में तुल्ला मुल्ला गांव में स्थित यह मंदिर कश्मीरी पंडितों की आराध्य रगन्या देवी का मंदिर है। यहाँ वार्षिक खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन आतंकवाद के चलते अब यह बंद है। यह मंदिर श्रीनगर से 27 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के चारों ओर चिनार के पेड़ और नदियों की धाराएं बहती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इस मंदिर के दर्शन करने की तमन्ना हर कश्मीरी पंडित में रहती है। इस मंदिर का पुनः निर्माण 1912 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया, जिसे बाद में महाराजा हरि सिंह द्वारा पूरा कर दिया गया। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रमुख किंवदंती यह है कि सतयुग में भगवान श्री राम ने अपने निर्वासन के समय इस मंदिर का इस्तेमाल पूजा के स्थान के रूप में किया था। 3 पर है सूर्य मंदिर। दक्षिण कश्मीर के मारतंड स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा अशोक के बेटे जलुगा ने 200वीं सदी में करवाया था, जबकि मंदिर के भीतर जो वर्तमान ढांचा है उसका निर्माण किसी अज्ञात हिंदू श्रद्धालु ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान करवाया था। इस मंदिर से परी पंजाल पर्वत श्रृंखला और शहर का प्रत्येक भाग आसानी से देखा जा सकता है। 400 वर्ष पहले कारकूट खानदान से संबंधित राजा ललितादित्य मुख्योपाध्याय ने मंदिर को अंतिम रूप दिया था। कारकूट वंश के राजा हर्षवर्धन ने 200 साल तक सेंट्रल एशिया सहित अरब देशों में राज किया था। पहलगाम का मशहूर शीतल जल वाला चश्मा इसी वंश से संबंधित है। ऐसी किंवदंती है कि सूर्य की पहली किरण निकलने पर राजा अपने दिनचर्या की शुरुआत सूर्य मंदिर में पूजा कर चारों दिशाओं में देवताओं को आह्वान करने के बाद करते थे। वर्तमान में खंडहर की शक्ल में अख्तियार ले चुका है। इस मंदिर की ऊंचाई 20 फीट ही रह गई है। मंदिर में तत्कालीन मंदिर बर्तन आदि अभी भी वहाँ मौजूद हैं। 4, भवानी मंदिर। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के कश्मीर में जिला अनंतनाग के लकड़ी पेरा गांव में स्थित है। यह भवानी मंदिर की देखरेख अब स्थानीय मुसलमान करते हैं। साल 1990 में कश्मीर में हिंसक आंदोलन शुरू हुआ तो कश्मीर घाटी में रहने वाले लाखों पंडितों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। इस गांव से भी हिंदू पलायन कर गए तो यह मंदिर सूना हो गया है। शीतलेश्वर मंदिर। श्रीनगर के हब्बा कदर इलाके में 2000 साल वर्ष पुराना शीतलेश्वर मंदिर है। जर्जर अवस्था में पहुंच चुके इस मंदिर को कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने स्थानीय मुस्लिम आबादी के सहयोग से फिर से आबाद किया था, लेकिन लगातार हिंसा के चलते अब यह वीरान पड़ा है। हालांकि समय समय पर यहाँ कश्मीरी पंडित जाते रहते हैं। शंकराचार्य मंदिर। आदि शंकराचार्य ने देश भर में भ्रमण करके ऐसा स्थानों की खोज की जो प्राचीन भारत में गौरवपूर्ण स्थान है। ऐसे ही प्राचीन महत्वपूर्ण देव स्थानों में शामिल है श्रीनगर का यह प्राचीन शिव मंदिर, जिसे जटेश्वर मंदिर कहा जाता है। कालांतर में इसे आदि शंकराचार्य मंदिर कहा जाने लगा। वर्तमान में इसे तख्त ए सुलेमान के नाम से पुकारा जाने लगा। श्रीनगर की पहाड़ी पर बसा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा संधिमान ने करवाया था। उस समय यहाँ 300 स्वर्ण रजत प्रतिमाएं थीं। सन 426 से 365 ईसा पूर्व कश्मीर पर गोपादित्य का शासन था। उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। इससे पूर्व 697 से 734 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले राजा ललितादित्य ने भी इसके रखरखाव की अच्छी व्यवस्था की। शाह हमदानी जब
सत्रहवीं शताब्दी में कश्मीर आए तो उन्होंने कश्मीर को बाग ए सुलेमान एवं मंदिर स्थल को तख्त ए सुलेमान का नाम दिया। त्रिपुर सुंदरी मंदिर। दक्षिण कश्मीर के देवसर इलाके में त्रिपुर सुंदरी मंदिर को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। यह मंदिर घाटी के कुलग्राम जिले के देवसर क्षेत्र में है। यह मंदिर भी कश्मीरी हिंदुओं की आस्था का प्राचीन केंद्र है। अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग से जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले यहाँ की यात्रा के दौरान भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा था। मान्यता है कि तभी से यह स्थान शिव आराधना का यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। अमरनाथ की यात्रा महाभारत के काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के कई प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई कलहण की राज तरंगिणी तरंग द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामरदिमल शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। महामाया शक्तिपीठ। बहुत कम लोग जानते हैं कि कश्मीर में माता सती का एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है, जिसे महामाया शक्तिपीठ कहा जाता है। यदि आप कभी अमरनाथ गए होंगे तो निश्चित ही यहाँ के दर्शन किए होंगे। यह मंदिर भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही है। पहलगाम के अमरनाथ में मंदिर माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति को महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। यहाँ के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं।